इस साल भी देश पर सूखे की मार पड़ी है। राज्य के 11 राज्य सूखे से प्रभावित हैं। इस मुद्दे पर बुधवार को राज्यसभा में चर्चा होगी, वहीं शुक्रवार को लोकसभा में। इससे पहले मंगलवार को सूखे का मुद्दा लोकसभा में उठा। तमाम दलों के नेताओं ने लोकसभा में सूखे के संकट पर अपनी अपनी चिंताएं प्रकट की। कर्नाटक से कांग्रेस सांसद वीरप्पा मोइली, झारखंड से बीजेपी सांसद विष्णु दयाल, उड़ीसा के बीजेपी सांसद कलिकेश नारायण सिंह ने देश में सूखे के मुद्दे को लोकसभा में उठाया और सरकार से सूखा प्रभावित इलाके के लोगों को हर मुमकिन मदद देने की अपील की। वहीं सरकार की तरफ से कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने सरकार की ओर से सूखे पर सांसदों के सवालों का जवाब दिया। राधा मोहन सिंह ने कहा कि सूखा संकट पर सरकार की पहली नजर है और सरकार प्रभावित इलाकों में हर मुमकिन मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक आंकड़े के मुताबिक देश के करीब 256 जिलों पर सूखे की मार है और कम से कम 33 करोड़ लोग सूखे की चपेट में हैं। कई इलाकों में बूंद बूंद पानी के लिए हाहाकार है और इन इलाकों से भारी तादाद में लोगों का पलायन भी हुआ है।